नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ तीन मूवी के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फन्ने खान। इसके 4 दिन का अपडेट तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि 4 दिन का इसका टोटल फन्ने खान का जो है वो है 7.5, यानी कि इसके 4थे दिन का 75 लाख रुपये आया था। तो मेरा इसके 5वें दिन का जो प्रेडिक्शन रहेगा दोस्तों, जैसे कि मूवी का कलेक्शन अगर हम कंपेयर करें तो फ्राइडे इसका 1.9 आया था पहले दिन, और ठीक 75 लाख आया। मतलब यानी कि मूवी का जो एक्सेप्टेंस है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ख़राब है, उस लिहाज से इसका जो 5वें दिन का कलेक्शन आएगा वो 50 लाख का रहेगा, और इसका जो टोटल हो जाएगा वो 8 लाख 5 दिन का मिलाकर। ये मेरा प्रेडिक्शन है 50 लाख 5वें दिन का। आपको क्या लगता है फन्ने खान के लिए? और इसके बाद हम बात करते हैं मूवी कारवा के बारे में। कारवा मूवी का जो मैंने जैसे ही बताया था कि इसका 4थे दिन का 1.1 CR आया था, यानी कि ये इसका जो फ्राइडे पहले दिन 1.5 था, ज़्यादा मूवी मतलब इसका कलेक्शन ज़्यादा गिरा नहीं, 1.5 से सीधा 1.1, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और इसके मूवी का जो टोटल कलेक्शन हो गया 8.85। तो इस लिहाज से इसका 5वें दिन का जो कलेक्शन होगा वो 90 लाख जरूर आएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका 5 दिन का टोटल मिला के हो जाएगा 9.75। ये है कारवा मूवी, ये इरफान खान की मूवी के बारे में। आइए बात करते हैं मुल्क, जिसका कलेक्शन मैंने बताया था 4थे दिन का 1.15, जो तीनों मूवी की अपेक्षा काफ़ी बढ़िया था। मंडे इनका 4था दिन, ये नंबर 1 पे थे 4थे दिन के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका टोटल हो गया था 4 दिन का 7.95, और इसी तरह चलता रहा तो 5वें दिन का जो प्रेडिक्शन इसका है मेरे हिसाब से लगभग 1 करोड़ का कलेक्शन जरूर करेंगे, और मूवी माउथ पब्लिसिटी इसमें काफ़ी लग रही है, तो मूवी हो सकता है 1.15 के आसपास भी जा सके, लेकिन मेरे हिसाब से 1 करोड़ जो टोटल कलेक्शन इसका हो जाएगा 8.95 CR। तो ये रहा मेरा तीनों मूवी के 5वें दिन का प्रेडिक्शन। 5वें दिन फन्ने खान 50 लाख, 5वें दिन कारवां 90 लाख, और मुल्क 1 करोड़। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।